फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे होममेड होल व्हीट ब्रेड। तो ब्रेड के लिए मैंने ले लिया 2 कप मैंने आटा ले लिया है, और इसको हम बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ऐसे गड्ढा सा कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, और साथ में 1 छोटा चम्मच ईस्ट। ये जो ईस्ट है ये ड्राई इंस्टेंट ईस्ट है, तो इसको इसलिए हम इसको डायरेक्ट डालेंगे। और इसमें मैं डालूँगी हल्का गुनगुना पानी, और इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। पहले अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, पहले हम इसको ही इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया है, ईस्ट नमक और चीनी को। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपना रिफाइंड ऑयल कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऑयल को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑयल को भी मिक्स कर लिया इसमें, और अब मैं इसमें इसको पानी डाल के इसको गूंथ लूँगी, एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। पानी को गुनगुना ही रखिएगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, गुनगुना पानी होना चाहिए। तो हल्का सा गरम करके हम इसके साथ इसको गूंथ सकते हैं। तो मैं इसका आटा तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर ऑयल, हाथ में ऑयल लूँगी थोड़ा सा, और इसको इसको अच्छे से हमने ऑयल लगा के इसको 5 से 7 मिनट तक इस तरह से हमने इसको गूंथना है। तो अगर ऑयल आपके हाथ में ख़त्म हो जाए तो आप और ऑयल लेके इसको इस तरह से गूंथिए। जैसे कि मेरे हाथ में ऑयल ख़त्म हो गया, मैंने थोड़ा सा और ऑयल ले रही हूँ, और इसको लगा के इसको मैं गूंथते जाऊँगी। कम से कम हमें 5 मिनट के लिए तो इसको ऐसे गूंथना ही है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे 5 मिनट हो गए इसको ऐसे गूंथते हुए। तो अब हमारा ये चिकना आटा एकदम चिकना है, एकदम तैयार है। तो हम इसके लिए पहले अपने केक टिन केक में ब्रेड टिन में ऑयलिंग कर लेते हैं। इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे इसको, चारों तरफ से स्प्रेड कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको ऑयलिंग कर ली, और मैंने डो को इस तरह की शेप दे दी है जो कि इसके बीच में आ जाए, और इसको अच्छे से ब्रेड की शेप में, मतलब टिन की शेप में दे देंगे हम इस तरह से, पूरा इस तरह से। और हम इसको डैप डैप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको एक कपड़े से ढक के, आप किसी भी टॉवल से या कोई भी गर्म कपड़ा लेके इसको ढक के किसी गर्म जगह पे रखिएगा। तो किसी गर्म जगह पे रखना है, और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही, मतलब आप अपने ओवन में भी छोड़ सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, डो जो है वो फूल गया है, 2 घंटे हो चुके हैं, और अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी स्प्रेड कर देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसको हम ऊपर से घी स्प्रेड कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। हम इसको ओवन में 15 मिनट के लिए, पहले हम इसको 15 मिनट्स का टाइमर लगा के, तो इसको हम दे देंगे 180 डिग्री टेम्परेचर पे, इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। अब हम मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। टाइम पूरा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम इसको थोड़ी देर इसको यहाँ पे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे, इसको निकाल के फिर पीसेस कट कर लेंगे। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने चारों तरफ से अपना छोड़ दिया है, इसका ये मतलब होता है कि ये एकदम तैयार है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ब्रेड, कितनी सुंदर ब्रेड बन के तैयार हो गई है। इसके आप इस तरह से स्लाइसिस काट सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी ब्रेड, देखिए कितनी फ्लफी बनी है। और ये हमारी घर की ब्रेड है, होल व्हीट आटा से बनी है, इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया गया है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया ब्रेड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।